विरार में एक शख्स द्वारा अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मामला विरार पूर्व के मनवेल पाड़ा का है, जहां वावटेवाड़ी स्थित एक वीरा इमारत में गोपाल राठौड़ अपनी पत्नी भारती और 14 साल की बेटी के साथ रहता था। गोपाल शराब का आदि था तथा वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक भी किया करता था और इस बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा भी होता रहता था। शुक्रवार को भी उनका हमेशा की तरह झगड़ा हुआ। उस झगड़े के दौरान गोपाल ने अपनी पत्नी भारती के सीने और पेट पर चाकू से कई वार किए, जिससे घटना स्थल पर ही भारती की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विरार पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हत्या के बाद गोपाल फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने कल्याण से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते गोपाल ने अपनी पत्नी की हत्या की है। फिलहाल आरोपी गोपाल को पुलिस द्वारा शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 17 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।